गुड आफ्टरनून माई डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर जी एन एम स्टूडेंट्स. टुडे आई एम गोइंग टू रिवाइज द टॉपिक. नेम इज एपिडेमोलॉजी एंड दिस टॉपिक इज टेकन फ्रॉम CHN. सो एपिडेमोलॉजिकल, तो एपिडेमोलॉजिकल जो वर्ड आया है इट्स कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड. ओके, इट्स कंपोज्ड ऑफ थ्री ग्रीक वर्ड्स. एपी, एपी मीन्स on, upon, among and between. डेमियो, डेमियो मीन्स होता है people, population and community. logos, logos मीन्स होता है to study. ओके, तो ये जो epidemiological आपका जो word बना है वो Greek word से बना है जिसको मैंने आपको टुकड़ों में बताया है. epi means on, upon, among and between. डेमियो means population, people, community. logos means to study. okay, तो epidemiology वो है, it is a study about the health problems related to the population, related to the community. तो epidemiology एक तरीके से study करता है, मतलब ये वो study करवाता है कि एक particular person या एक community कौन सी हेल्थ प्रॉब्लम से जूझ रहा है, कौन सी हेल्थ प्रॉब्लम से अफेक्टेड है. तो इस सब चीज़ों के बारे में बात करता है एपिडेमोलॉजी. ओके, तो एपिडेमोलॉजी में एक्चुअल में थ्री मेन एजेंट्स होते हैं. डेट इज डिटर्मिनेट, फर्स्ट इट इज़ द फ्रीक्वेंसी, मतलब क्या केस है, क्या डिसीज़ है, कितने साइज में फैला हुआ है. ठीक है, और प्लस सेकेंड है डिस्ट्रीब्यूशन. डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स वो डिसीज़ किसको अफेक्ट की है. सेम सेक्स भी हो सकते हैं, मेल्स तो पूरे मेल्स को, या फीमेल्स को, या अनएजुकेटेड पर्सन्स को, या चिल्ड्रंस को, किसी को भी. मतलब इसमें हम पीपल की बात कर रहे हैं कि कौन से लोगों को अफेक्ट की है वो डिसीज़. एंड डिटर्मिनेट्स, थर्ड वन इट इज़ द डिटर्मिनेट. डिटर्मिनेट्स मीन्स होता है हाउ एंड व्हेन और व्हाई. तो हाउ मतलब कैसे, व्हाई मतलब क्यों, और व्हेन कब. तो ये तीनों चीज़ों के बारे में बात करता है हमारा डिटर्मिनेट्स. ठीक है, कि वो बीमारी कैसे आई, कब आई, क्यों आई. ठीक है, तो इन सिंपल वे वी कैन से epidemiology is the study of the occurrence, distribution and causes of disease in mankind. okay, तो epidemiology वो है. occurrence means incident, मतलब ये घटना, मतलब वो disease, specific disease. distribution मतलब ये किसको affect की है, population में कौन से peoples को affect की है. ठीक है, and causes of disease, और वो डिसीज़ का कारण क्या है जो कि मैनकाइंड को हो रही है, जो कि ह्यूमन बींग्स को हो रही है. ठीक है, तो इस सब चीज़ों के बारे में स्टडी करता है एपिडेमोलॉजी. ओके, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मेडिसिन. ओके, सो इट इज़ डीलिंग विद द हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स ऑफ द पीपल एज वेल एज ऑफ द कम्युनिटी. ओके, सो what is the aims of epidemiology? The main aim of epidemiology or main purpose of epidemiology is the disease prevention and early intervention. okay, ki disease ko prevent kiya jaye aur jitna jaldi ho sake unka treatment kiya jaye. theek hai, unka intervention kiya jaye. iska main aims yahi hota hai, tabhi hum epidemiology study karte hain. theek hai, ki ye disease कब आई, कैसे आई, कौन से लोगों को अफेक्ट की है, कितना पॉपुलेशन, कितनी कम्युनिटी अफेक्टेड हुई है. ठीक है, इसका रीज़न क्या है, इसका कारण क्या है, और इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे. सो एपिडेमोलॉजिस्ट स्टडी अबाउट द हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स अंडर दिस एपिडेमोलॉजी. ओके, एपिडेमोलॉजिकल ट्रायड. एपिडेमोलॉजिकल जो ट्रायड होता है उसमें मेन चीज़ क्या होता है, एजेंट, होस्ट एंड एनवायरनमेंट.
एजेंट मीन्स होता है सोर्सेस, वो सोर्स मतलब कहाँ से वो डिसीजें आ रही हैं, उस डिसीज का मेन सोर्सेस क्या है, ओके, जिसकी वजह से वो डिसीज मिल रहा है। होस्ट मतलब हम लोग जिनको मिलता है डिसीज, और एनवायरनमेंट तो आपको मालूम ही है। सो डिसीज एजेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू फाइव ग्रुप्स। तो जो हमारा जो एजेंट है, जो हमारे सोर्सेस हैं डिसीज के, वो फाइव ग्रुप्स में क्लासिफाइड है। फर्स्ट वन इट इज द बायोलॉजिकल एजेंट्स। बायोलॉजिकल एजेंट्स लाइक वायरस, बैक्टीरिया, तो इनकी वजह से जो डिसीज मिल रहे हैं, ठीक है। तो एक सोर्स आपका बायोलॉजिकल फैक्टर भी है, बायोलॉजिकल एजेंट भी है, ठीक है। जैसे वायरस, बैक्टीरिया, इनसे आपको डिसीज मिल रही है, तो मेन सोर्स इज द बायोलॉजिकल एजेंट। सेकेंड सोर्स न्यूट्रिएंट एजेंट्स। न्यूट्रिएंट्स एजेंट्स मीन्स ड्यू टू डिफिशेंसी ऑफ प्रोटीन, तो आपको क्या हो रहा है, डिसीज हो रहा है। और माल नरिश्ड की वजह से भी, तो ये सब क्या है, सोर्सेस हैं। जब आपको सप्लीमेंट्री डाइट नहीं मिल रहा है और आपको डिसीज आ रही है आपके बॉडी में एंटर हो रही है, तो इसके मेन सोर्सेस ये सारे एजेंट्स हैं जिसकी वजह से आपके बॉडी में डिसीज एंटर हो रहा है, ओके। देन थर्ड वन इट इज द फिजिकल एजेंट। फिजिकल एजेंट्स मीन्स लाइक हीट, कोल्ड, इलेक्ट्रिसिटी, तो ये सब भी सोर्स हो सकते हैं आपके डिसीज को एंटर कराने के लिए। थर्ड मैकेनिकल एजेंट्स। मैकेनिकल एजेंट्स लाइक एनी ट्रॉमा, ड्यू टू एनी ट्रॉमा, ड्यू टू एनी इंजरीज, चोट लगने के कारण, तो ये सब भी आपके क्या हैं, डिसीज एजेंट्स हैं, ओके। देन फोर्थ केमिकल एजेंट। केमिकल एजेंट्स लाइक मेटल्स, फ्यूम्स, गैस, डस्ट गैसेस, तो ये सब भी आपके मेन सोर्सेस हैं टू स्प्रेड द डिसीज। नाउ वी विल सी द होस्ट फैक्टर्स। होस्ट फैक्टर्स लाइक एज, सेक्स, हेरिडिटरी, ठीक है, न्यूट्रिशन, ऑक्यूपेशन, कस्टम्स, हैबिट्स एंड ह्यूमन बिहेवियर्स। तो होस्ट फैक्टर्स आपके वो हो सकते हैं कि डिसीज जो हुई है आपको, वो आपको इसकी वजह से भी हो सकती है होस्ट फैक्टर्स के थ्रू, लाइक हेरिडिटरी प्रॉब्लम्स, जेनेटिक प्रॉब्लम्स, या ऑक्यूपेशंस रिलेटेड, या कस्टम्स, हैबिट्स। सो दीज आर द होस्ट फैक्टर्स ऑफ द एपिडेमियोलॉजी ट्रायड, ओके। तो एपिडेमिक मीन्स क्या होता है, नाउ वी विल सी व्हाट इज एंडेमिक, एपिडेमिक एंड पैंडेमिक। एंडेमिक मीन्स अ कंस्टेंट प्रेजेंस ऑफ डिसीज विद इन अ जियोग्राफिक एरिया। दैट मीन्स फॉर एग्जाम्पल स्पेसिफिक डिसीज लाइक स्केबीज, तो वो स्पेसिफिक डिसीज जब आई तो वो पर्टिकुलर एरिया को ही अफेक्ट करेगी, कम्युनिटी को नहीं, कंट्री को नहीं, सिर्फ वो पर्टिकुलर एरिया में ही वही स्केबीज बीमारी फैली हुई है, तो इट इज़ कॉल्ड द एंडेमिक। जब वो आप वो डिसीज़ सिर्फ आपके पर्टिकुलर एरिया, दैट मीन्स जियोग्राफिक एरिया को ही अफेक्टेड करे, वो डिसीज़ वहीं तक सीमित है, तो इट इज़ कॉल्ड द एंडेमिक। एपिडेमिक एंड आउटब्रेक ऑफ डिसीज इन अ कम्युनिटी। स्पेसिफिक टाइम, स्पेसिफिक डिसीज अगर एरिया के अलावा लार्ज नंबर ऑफ ग्रुप्स को अफेक्ट करती है, दैट मीन्स पूरी कम्युनिटी को अफेक्ट करेगी वो महामारी, सो इट्स कॉल्ड द एपिडेमिक, ओके। इसमें एरिया की बात नहीं हो रही है, होल कम्युनिटी की बात हो रही है, ओके। देन पैंडेमिक, एन एपिडेमिक विच स्प्रेड्स फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। दैट मीन्स जब वो महामारी या एपिडेमिक, वो डिसीज, स्पेसिफिक डिसीज जब पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड हो जाए, दैट मीन्स फ्रॉम कंट्री टू कंट्री स्प्रेड हो जाए, ओके, सो इट इज़ कॉल्ड द पैंडेमिक। क्लियर है, एंडेमिक मतलब जियोग्राफिकल एरिया, एपिडेमिक मीन्स कम्युनिटी, एंड पैंडेमिक मीन्स कंट्री टू कंट्री। जूनोसिस। जूनोसिस मीन्स होता है इन अ सिंपल वे,
इट स्प्रेड्स थ्रू द एनिमल्स टू ह्यूमन बींग्स. नाउ इनक्यूबेशन पीरियड. इनक्यूबेशन पीरियड दिस इज अ टाइम इंटरवल बिटवीन द एंट्री ऑफ द डिसीज एजेंट इनटू द बॉडी एंड द अपीयरेंस ऑफ द फर्स्ट साइन एंड सिम्टम्स ऑफ डिसीज. दैट मीन इनक्यूबेशन पीरियड वो होता है जब स्पेसिफिक डिसीज आपकी बॉडी में एंटर करती है. एंटर करने के बाद का जो समय है वो होता है आपके फर्स्ट साइन एंड सिम्टम्स आने के पहले तक का जो बीच का जो टाइमिंग पीरियड होता है इट इज़ कॉल्ड द इनक्यूबेशन पीरियड. ओके, उसी इंटरवल पीरियड्स को बोला जाता है इनक्यूबेशन पीरियड. बॉडी में एंटर करेगा जब डिसीज और जब फर्स्ट साइन एंड सिम्टम्स अकर होगा उस डिसीज के वजह से, तो उसके बीच का जो टाइमिंग पीरियड होता है, जो इंटरवल होता है, दैट इज कॉल्ड द इनक्यूबेशन पीरियड ऑफ द पर्टिकुलर डिसीज. नाउ वी विल सी द व्हाट आर द यूजेस ऑफ एपिडेमियोलॉजी टू स्टडी हिस्टोरिकली द राइज एंड फॉल ऑफ डिसीज इन द पॉपुलेशन. तो जो एपिडेमियोलॉजी स्टडी जो हम लोग करते हैं रिलेटेड टू हेल्थ प्रॉब्लम्स, इसके थ्रू क्या हमें पता चल जाता है कि पॉपुलेशन में कितनी वो डिसीज़ अफेक्टेड है, कितनी वो डिसीज़ फैली हुई है, जिससे कि फ्यूचर में वो डिसीज़ के अफेक्ट्स ना हो, वो डिसीज़ के रिस्क ना बढ़े, तो उसके हेल्प के लिए भी एपिडेमियोलॉजी हेल्प करता है. ओके, फर्स्ट तो ये हेल्प करता है टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स, हेल्थ प्रॉब्लम्स ऑफ द पॉपुलेशन और हेल्थ प्रॉब्लम्स ऑफ द पीपल्स. तो इसके लिए एपिडेमियोलॉजी पहले ये हेल्प करता है. ठीक है, फर्स्ट हेल्प क्या कर रहा है कि पॉपुलेशन में कितना वो डिसीज़ फैला हुआ है, कितना वो डिसीज़ अफेक्ट किया है. सेकेंड वन, टू हेल्प टू आइडेंटिफाई द हेल्थ प्रॉब्लम्स इन द कम्युनिटी, कि ये पता करने के लिए कि हेल्थ प्रॉब्लम्स कम्युनिटी में क्या फैली हुई है. ठीक है, तो हेल्थ प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए कम्युनिटी में एपिडेमियोलॉजी उसके लिए भी यूजफुल होता है. देन हेल्प्स टू प्लान एंड डेवलप नीडेड हेल्थ सर्विसेज. साथ ही साथ वो हेल्थ प्रॉब्लम्स से उभरने के लिए, बाहर आने के लिए, उनको स्पेसिफिक ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने के लिए, उस बेस के लिए प्लान करने के लिए भी एपिडेमियोलॉजी यूजफुल है. देन द एपिडेमियोलॉजिस्ट कैलकुलेट रिलेटिव रिस्क एट्रीब्यूटेबल रिस्क फॉर अ फैक्टर रिलेटेड टू बी अ कॉज ऑफ डिसीज. तो एपिडेमियोलॉजिस्ट को एपिडेमियोलॉजी स्टडी करने पर एक कैलकुलेशंस मिल जाता है कि इसका रिस्क फैक्टर्स कितना हो सकता है. ठीक है, इस डिसीज का क्या कॉज हो सकता है. तो ये सारी चीज़ें एपिडेमियोलॉजिस्ट को एपिडेमियोलॉजी स्टडी करने पर मिल जाता है. ठीक है, तो इसीलिए यूजफुल है एपिडेमियोलॉजी. ओके, नाउ वी विल सी द रेशियो, दैट मीन्स टूल्स वी विल सी ऑफ द एपिडेमियोलॉजी. बेसिक टूल्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ एपिडेमियोलॉजी, देयर इज थ्री बेसिक टूल्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ एपिडेमियोलॉजी, दैट इज रेट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन. रेट, अ रेट मेजर द अकरेंस ऑफ सेम पर्टिकुलर इवेंट इन अ पॉपुलेशन ड्यूरिंग अ गिविंग टाइम पीरियड. तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक डिसीज का हम लोग इसमें रेशियो बनाते हैं. जैसे कि कैसे बनाएंगे हम इसमें, डेथ रेट को अपॉन में हम लोग करेंगे नंबर ऑफ डेथ इन वन ईयर एंड मिड ईयर इंटू 1000. ओके, तो इससे हम लोग अपना कैलकुलेशन निकालेंगे. देन रेशियो में क्या करेंगे, इट एक्सप्रेसेस रिलेशन टू साइज बिटवीन टू रैंडम कंडीशन क्वांटिटीज. तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, रेशियो किस चीज का निकालेंगे, रैंडम. ठीक है, साइज निकालेंगे, मतलब फॉर एग्जांपल द नंबर ऑफ चिल्ड्रन विथ स्केबिस, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम में कितने बच्चों की संख्या है, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम में स्केबिस से अफेक्टेड कितने बच्चों की संख्या है अपॉन द नंबर ऑफ चिल्ड्रन विथ माल न्यूट्रिशन ऑफ अ सर्टन टाइम. और उस पर्टिकुलर टाइम में ही माल नरिश से
कितने बच्चों कितने बच्चे हैं उनका भी नंबर हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। तो पहले तो स्केबिस से कितने अफेक्टेड हैं और माल नरिश से कितने बच्चे अफेक्टेड हैं, तो इस चीज़ का रेशियो हम लोग निकालेंगे। देन प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन मीन्स होता है एक तरीके से अनुपात करना। अब प्रोपोर्शन इज अ रेशियो विच इंडिकेट्स द रिलेशन इन मैग्नीट्यूड ऑफ अ पार्ट ऑफ द होल। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, द नंबर ऑफ चिल्ड्रन विद स्केबिस एट अ सर्टन टाइम अपॉन द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द विलेज एट द सेम टाइम। तो इसमें हम लोग क्या रेशियो निकालेंगे कि स्केबिस से कितने चिल्ड्रंस अफेक्टेड हैं इन अ पर्टिकुलर टाइम में, और उस पर्टिकुलर टाइम में कितने लोग कितने बच्चे हैं उस विलेज में। तो इसको हम लोग इंटू करेंगे 100 में से, ठीक है। तो हम लोग जो बेसिक टूल्स, मतलब एक एपिडेमोलॉजी में अगर हम लोग मेजरमेंट करते हैं तो बेसिक टूल्स यूज़ करके करते हैं, तो वो थ्री में हम लोग डिवाइडेड करते हैं, एक रेट के थ्रू, एक रेशियो के थ्रू, एक प्रोपोर्शन के थ्रू। तो इस बेस पे हम लोग अपना पूरा कैलकुलेशंस निकालते हैं, ओके। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड टुडेज़ टॉपिक एपिडेमोलॉजी, ओके। इन अदर क्लास वी विल रिवाइज अदर टॉपिक। थैंक यू।